कैसे हो? तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे हिंदी में बोल रहा हूँ और इंग्लिश में यहाँ पे टाइप होगा। आप इसको अपने काम में भी ले सकते हैं और किसी से चैट भी कर सकते हैं। तो टोटल जानकारी देने वाला है कैसे इसको आप यूज़ करेंगे। हिंदी में आप कुछ भी बोलेंगे, इंग्लिश में यहाँ पे टाइप हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड से शेयर कर दें, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और ऑल पे सेलेक्ट कर दें, ताकि इसी तरह की वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। और हमारा न्यू चैनल आ गया, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन का नेम आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे ईजी उर्दू कीबोर्ड, ये नाम सुन के आप भागिएगा मत, मैं आपको टोटल जानकारी दूंगा। यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ परमिशन आपको मांगता है, आपको दे देना, जैसे कि इनेबल उर्दू कीबोर्ड, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहां से आपको जो है उर्दू कीबोर्ड को परमिशन दे देना। जैसे कि इसको आप ऑफ कर देंगे और यहां पे उर्दू कीबोर्ड को जो ना यहां पे एक्टिव कर देंगे, ठीक है। या इसको भी आप यहां पे ऑन करके रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी। तो मैंने यहां पे उर्दू कीबोर्ड को यहां पे ऑन कर दिया, अलाउ कर दिया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, यहाँ से हम फिर बैक करेंगे। फाइनल स्टेप आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट उर्दू कीबोर्ड, इसको आपको क्लिक करना है और उर्दू कीबोर्ड को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे कोई एड्स वगैरह आ सकता है, एड्स को एक बार आपको क्लोज कर देना है। यहाँ पे एड्स को आपको देखना है, ऊपर यहाँ पे क्रॉस का आइकन बन जाएगा, यहाँ पे सिंपली इसको क्रॉस कर देना है। बस आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जाना है अपने जो व्हाट्सएप वगैरह कहीं पर भी आपको जाना है। जैसे कि मैं व्हाट्सएप में आ गया हूँ और किसी को मुझे यहाँ पे मैसेज सेंड करना है। जैसे मुझे इनको मैसेज सेंड करना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कीवर्ड ऑप्शन आ गया है। मतलब आप मेरा जो कीवर्ड है ना, वो चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ से उर्दू कीवर्ड हो गया है, पर अभी अगर मैं लिखूँगा ना कुछ तो यहाँ पे उर्दू में टाई होगा। मैं कुछ बोलूँगा ना यहाँ पे, तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे बोलता हूँ कुछ, यहाँ पे इसको परमिशन दे देंगे, तो इसको एक बोल लेते हैं। तो देख सकते हैं हेलो लिखा हमारे यहाँ पे उर्दू पे आ गया है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको बैक कर दूंगा। यहाँ पे उर्दू में बाहर से आप देख सकते हैं यहाँ पे उल्टा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे ग्रीन टिक है, आप देख सकते हैं ग्रीन टिक है, इसको आपको ना यहाँ से ऑफ कर देना है। जैसे कि ऑफ हो गया, अभी मैं कुछ बोलूँगा ना हिंदी में तो यहाँ पे इंग्लिश में टाइप होगा। जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पे बोलता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे हाउ आर यू लिखा हुआ आ गया। इसी तरीके से आप अपने किसी भी जहाँ पर कुछ भी आप कुछ भी बोलेंगे हिंदी में, ऐसे यहाँ पे टाइप हो जाएगा। जैसे मैं फिर से और एक बार करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वैसा ही यहाँ पे इंग्लिश में टाइप हो गया। मतलब हिंदी बोलेंगे और इंग्लिश में टाइप होगा, और किसी को आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं या फिर अपना जो डेली का डेली काम है उसमें आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल का चीज़ है और कमाल का एप्लीकेशन, तो जरूर जाकर इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, तक छोटा सा जानकारी था जो आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ हो सकता है, तो जरूर जाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना खत्म करेंगे, फिर भी लेंगे अगर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड से शेयर कर दे, और चैनल पर अगर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें और ऑल पर सेलेक्ट कर दे। और हमारा न्यू चैनल भी आ गया, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर हम टिप्स एंड ट्रिक रिलेटेड वीडियो डालते हैं। Thanks for watching.